अनीब रूबियार एसटडी में आज हम देखेंगे आरपीएफ और आरपीएसएफ में भारी वैकेंसी, उसके बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। पहले देखेंगे कुल कितना वैकेंसी है, तो आप देख रहे हैं टोटल वैकेंसी जो है वो है 9,739। ओके, इसमें किस किस चीज़ की वैकेंसी शामिल है, चलिए हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी है। सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे योग्यता, फीस, लास्ट डेट और पूरी डिटेल। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट का नाम क्या है। सब इंस्पेक्टर एसआई, मतलब एसआई सब इंस्पेक्टर है और कांस्टेबल है, दो तरह की भर्तियाँ होनी है। तो पहला जो आपका है वो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई में 1120 पोस्ट है, जिसके लिए एज जो लिमिट है वो 20 से 25 वर्ष रखी गई है। दूसरा आपका है कांस्टेबल, कांस्टेबल में टोटल 8619 पोस्ट है और इसमें एज की लिमिट है 18 से 25 वर्ष। अब देखते हैं योग्यता, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इन पोस्टों के लिए। तो दोस्तों, एसआई में आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी आपको किसी भी विश्वविद्यालय से बीए या बीएससी, बीकॉम, कोई भी एक प्रकार की आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए बस। कांस्टेबल के लिए क्लास 10 मैट्रिक या हाई स्कूल एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब कि कांस्टेबल के लिए आपको केवल 10वीं पास होना जरूरी है बस, और कुछ भी नहीं मांगा गया है। ये तो था आपका टोटल वैकेंसी और पोस्ट और उसके लिए योग्यता। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट और फीस के बारे में, उसके बाद देखेंगे और आगे जानकारी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो यहाँ पर दी गई है। आपको नोटिफिकेशन जो मिला है ये 18 मई को जारी हुआ था आरपीएफ सीआरपीएफ की वेबसाइट से, और एप्लीकेशन जो शुरू होगा आपका 1 जून 2018 से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो होगी आपका 30 जून 2018, यानी पूरे जून आवेदन किए जा सकते हैं। 30 जून यानी जून की अंतिम तारीख को इसका जो है डेट एक्सपायर हो जाएगा, यानी आप जुलाई से अप्लाई नहीं कर सकते, केवल जून में कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फीस, एग्जाम की फीस भी आप जून के लास्ट तक कर सकते हैं, मतलब 30 जून तक कर सकते हैं। अगला डेट जो है इम्पॉर्टेंट डेट वो क्या है, एग्जाम डेट सीबीटी सितंबर या अक्टूबर में होगी। सीबीटी मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ये सीबीटी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। आप देखते हैं फीस क्या होता है, कितना लगना है। तो जनरल या ओबीसी कास्ट के लिए जो फीस टोटल है वो लगेगी 500 रुपया, और एससी एसटी के लिए जो फीस लगेगी वो कितना लगेगी, 250 रुपये मात्र, ओके। और ऑल फीमेल कैटेगरी की फीस जो होगी 250 रुपये होगी, चाहे वो एससी की हो, एसटी की हो, या फिर फीमेल हो, सॉरी एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल है, यानी लड़कियों के लिए जो फीस होगी वो 250 रुपये केवल, और माइनॉरिटी एंड ईबीसी के लिए 250 रुपये, ओके। तो दोस्तों, आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक है उनकी फीस केवल 250 रुपये है, यानी इसमें हिंदू को छोड़ करके और भी जितने भी कास्ट होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, इनकी फीस जो है कितना रहेगी, वो 250 रुपये। अगला है पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे थ्रू ऑफलाइन ई चालान मोड, यानी आप जो फीस का पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका कितना कितना पोस्ट है, किस किस जोन में, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। तो चलिए देखते हैं, जोन का नेम क्या है, एसआर, एसडब्ल्यूआर एंड एससीआर। इसमें मेल की जो है वो कितना है वैकेंसी, 656 है, और फीमेल की कितना है, 621, ओके। अगला क्या है, अगला देखते हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए एसआर, एसडब्ल्यूआर और एससीआर जोन में 32 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए है मतलब 32 और फीमेल के लिए 138, और इसी जोन में ओबीसी एससी के लिए कितना है, 82 है मेल में, और फीमेल में कितना है, 114 है, जो कि आपको यहाँ पर, ओके। और इसी जोन में यानी पहले वाले जोन में ही हम देखेंगे एसटी के लिए मेल के लिए 34 है, फीमेल के लिए क्या है, 54 वैकेंसी है, ओके। यानी एसआर, एसडब्ल्यूआर और एससीआर जोन में टोटल वैकेंसी 804 है मेल के लिए और 927 है फीमेल के लिए, क्लियर। अगला देखते हैं दूसरा जो जोन है सीआर, डब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर एंड
SECR, इसमें मेल की वैकेंसी है 329 और फीमेल और उसके बाद मेल किस में, जनरल में मेल की है 329, ओबीसी की कितना है 51 है, और एससी के मेल की कितना है 42 है, और एसटी के मेल के लिए कितना है 18 वैकेंसी है। इसी में देखेंगे अब हम दूसरे वाले जोन में फीमेल के लिए, जनरल में 388 है, ओबीसी में 187 है, एससी में 92 है और एसटी में 45 है, यानी कुल मिला करके फीमेल के लिए 712 और मेल के लिए 140 वैकेंसी है। ठीक है, देखते हैं तीसरा जोन में क्या है दोस्तों। इसमें तीसरा जोन का नाम है आपका ईआर, ईसीआर, एसईआर और अगला जो आपका है वो है ईसीओआर। इसमें मेल के लिए वैकेंसी है जनरल कास्ट में 877, ओबीसी में 92 और एससी में 184 और अगला है जो एसटी में वो कितना है 134 है। टोटल वैकेंसी मेल के लिए तीसरे जोन में आपका 1287 हुई। फीमेल के लिए जनरल कास्ट में 816 है, ओबीसी में 242 है और एससी में 201 है और एसटी में 132 है। टोटल वैकेंसी तीसरे जो जोन में है वो क्या है 1391 है। अब हम देखेंगे अगला जोन एनआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर। इसमें मेल के लिए वैकेंसी जो है जनरल कास्ट में 761 है, ओबीसी में 65 है, एससी में 152 है और एसटी में 68 है। टोटल वैकेंसी 1046। इसी में फीमेल के लिए देखेंगे तो फीमेल के लिए 144, ओबीसी के लिए और 141, एससी के लिए और एसटी के लिए 75। टोटल वैकेंसी है कितना 1006। अब देखते हैं अगला जोन एनएफआर। इसमें मेल के लिए है टोटल जनरल में 136, ओबीसी में 7, एससी में 5, एसटी में 12, टोटल 160। फीमेल के लिए 128 और 21। तो चलिए इसमें देख लेते हैं फीमेल के लिए एक बार फिर से कितना कितना वैकेंसी है। फीमेल के लिए जनरल में 128, ओबीसी में 21 और एससी में 17 और एसटी में 14, टोटल 180 है। आपका जो दूसरा है आरपीएसएफ, इस जोन में कितना है मेल के लिए 378, किसमें जनरल में, ओबीसी मेल के लिए 204, एससी मेल के लिए 66 और एसटी मेल के लिए 18 और टोटल है 666। और इसी आरपीएसएफ जोन में हम देखेंगे फीमेल के लिए जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में भी कोई नहीं है, एससी में कोई नहीं है, एसटी में भी कोई नहीं है, टोटल 0 है। मतलब कि आरपीएसएफ जोन में फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये थी आपकी कुछ वैकेंसी की डिटेल जो आपने देखा। अब आगे हम देखेंगे फिजिकल टेस्ट क्या होगा आपका। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बनी हुई बेल को भी ऑन कर लें जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। और फिर हम आगे देखते हैं। ओके, देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या है, आपको शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कैटेगरी इधर है और इधर है मेल, इधर फीमेल। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हाइट। जनरल या ओबीसी कास्ट के लिए हाइट अधिकतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल उम्मीदवार के लिए यानी लड़कों के लिए। इधर फीमेल उम्मीदवारों के लिए जनरल या ओबीसी में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एससी या एसटी फीमेल यानी लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला चेस्ट। जनरल या ओबीसी मेल के लिए चेस्ट जो होना चाहिए 80-85 होना चाहिए और एससी या एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 76.2 से लेकर 81.2। मतलब कि सामान्य तौर पर 80 और फुलाने पर 85, इसमें सामान्य तौर पर 76 और फुलाने पर लगभग 81। और फीमेल वर्ग के लिए इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। अगला क्या है, रनिंग क्या होगा। मेल के लिए 1600 मीटर मतलब कि 1600 मीटर कितना टाइम में, 5 मिनट 45 सेकंड में। और फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद, जनरल या ओबीसी के मेल के उम्मीदवारों के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट।
हाई जंप जनरल या ओबीसी के लिए बॉयज में यानी मेल में 4 फीट और गर्ल्स यानी फीमेल में 3 फीट। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें और कुछ बचा हुआ है, शायद तो कुछ नहीं बचा। आपकी ये जानकारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से याद दिला दें, टोटल वैकेंसी जो है वो 9739 है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत कर लें और इस तरह की अपडेट को पाते रहें। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस भी प्रत्येक दिन चल रही हैं, जो कि RRB रेलवे ग्रुप डी के लिए और लोको पायलट परीक्षा, SSC CGL और RPF, CRPF, उसके अलावा और भी बहुत से आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रत्येक दिन विशेष रूप से रीजनिंग और मैथ की इंडिविजुअल लाइव क्लासेस प्रत्येक दिन चल रही हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी और आप यहाँ से हर एक परीक्षा के लिए अलग अलग लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।